क्षेत्र में जितने भी सौगातें मिली हैं संघर्ष के बाद ही मिली है। नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आंदोलन जारी है। यह बात कोर्ट परिसर की शासकीय भूमि पर विधायक निधि से 5 लाख के सामुदायिक भवन के भूमि पूजन अवसर पर क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कही। विधायक गुर्जर ने कहा कि नागदा की पहचान एक ठप्पे के रूप में थी, मेरे विधायक बनने के बाद अब नागदा को तहसील का दर्जा हो पाया है। शासकीय महाविद्यालय की स्थापना, रजिस्ट्रार कार्यालय, न्यायालय की स्थापना, एचडीओ कार्यालय, नागदा की पेयजल योजना आदि की सौगातें नागदा की जनता को दिलाई गई है। विधायक गुर्जर ने कहा कि नागदा को जिला बनाने का संघर्ष आंदोलन 2008 से जारी है और आंदोलन वर्तमान में भी कार्मिक भूख हड़ताल के रूप में चल रहा है। यदि 15 अगस्त 2023 तक भाजपा शासन द्वारा नागदा को जिला बनाने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाती है तो जनवरी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रथम कैबिनेट मीटिंग में नागदा को जिला घोषित कर क्षेत्र की जनता को जिले की सौगात दी जाएगी और विकास के नए द्वार खोल दिए जाएंगे। अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा की मांग पर कोर्ट परिसर में वर्षा के पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 लाख रुपए पेवर ब्लॉक लगाने की भी घोषणा विधायक गुर्जर ने करते हुए विजय वर्मा की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा ने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी द्वारा एक ही दिन में सामुदायिक भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराई है, इसके लिए उनका अभिभाषक संघ की तरफ से अभिनंदन किया गया। वहीं विधायक गुर्जर ने सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख की स्वीकृति के साथ ही न्यायालय की जमीन आवंटन में भी पूर्ण सहयोग किया, जिससे भूमि का आवंटन शीघ्र हो पाया है। अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी ने कहा कि जनहित के कामों को मेरे द्वारा पहली प्राथमिकता दी जाती है। मेरा प्रयास रहता है कि आम जनता की समस्या का समाधान तत्काल हो। कार्यक्रम को जनपद पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार, नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन शकेब कुरैशी ने किया व दीपक गहलोत ने आभार माना। ब्रह्मा विष्णु महेश रक्षा करोमि ओम शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रे धीयतो यतः समी महाकाल भगवान मंगलम भगवान ठीक हो गया। थैंक यू। देखो न्यायालय में हमारे जजों से बात करके ये भूमि आवंटन के लिए करा और निश्चित से हम उसमें तो हम भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी कर रहे थे कि जो पास के स्कूल की भूमि है उसको भी हम ले लें, परंतु हमारे जिले के लिए निश्चित से वो जमीन आने वाले समय में हमारे कलेक्टर ऑफिस इनके लिए काम आएगी। एक बार पुनः मैं विजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सक्रियता से बारिश में एक नया रूप लेने जा रही है। जहाँ तक नागदा की बात है तो नागदा की जनता ने जितने भी विकास कार्य है उसको हमेशा लड़कर लिया है। यहाँ पर न्यायालय नहीं था, हम सबको न्यायालय के लिए खाचो जाना पड़ता था। हमारे रजिस्ट्रार कार्यालय ने रजिस्ट्रियों के लिए हमको खाचो जाना पड़ता था। नोटरी का पद भी नहीं था यहाँ, उसके लिए भी हमको खाचो जाना पड़ता था और कई विकास कार्य ऐसे हैं जहाँ उनके लिए हमको खाचोद की ओर देखना पड़ता है। SDM कार्यालय भी खाचोद में था, तो हम सब ने लगातार इसको 1997-98 9 जुलाई को अभी वर्षगांठ आने वाली हमारी तहसील की, तो उसको हम अनुरोध है कि हमारे बारे स्टेशन उसको मनाए, जिससे कि जब पहली बार जब तहसील बनी थी रजिस्ट्रार कार्यालय बने थे, न्यायालय खुला, न्यायालय के लिए तो हमारे ADA पटनायक जी आए थे, उन्होंने 3 रोज का समय दिया था कि आप 3 रोज में तैयारी कर लो, हम हमारा आएंगे और लिंक कोर्ट खोल देंगे। हमने तीन रोज के अंदर सब व्यवस्था पूरी जमाई थी। जो आज न्यायालय लग रहा है वो भी विधायक निधि का ही है। हमने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी कि हमारे न्यायालय के लिए भवन, ये बात आती थी कि न्यायालय का भवन तो है ही नहीं, तो हमने पहले ही न्यायालय भवन बना के तैयार करके रखा था और जिसमें डायस वगैरह जो आवश्यकता थी हमने सीमेंट कंक्रीट हम 3 रोज में करा। DJ साहब आए और उन्हें करा और जब पूरी आवश्यकता थी नागदा को तो उन्होंने तत्काल उसकी स्वीकृति दी। आज लिंक न्यायालय से आज हम ADJ तक हम पहुँच चुके हैं। निश्चित रूप से आने वाले हम DJ तक पहुँचेंगे और जब DJ तक पहुँचेंगे पहले आप टप्पा कार्यालय के वकील कहलाते थे, अब तहसील स्तर के DJ के वकील कहलाते हैं। आने वाले समय DJ के वकील कहलाएंगे तो निश्चित रूप से
कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा होगा ही। जहाँ तक जिले की बात है, इस रूप से नागदा आज नहीं तो कल जीना बनना लगभग तय है, क्योंकि हमने जो जो बात कही थी वो उनको करा। अभी 18 मार्च 2020 को हमने जिले के लिए परिषद में प्रस्ताव किया। पहले एक बात और ये कही जाती है कि हम इन टाइम पे करा गया, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। जिसको जो कागज देखना है वो हमने पहले ही जनवरी माह में ही माननीय मुख्यमंत्री से आदेश करा दिए थे जिले भर की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए, और जिले की सिर्फ गजट नोटिफिकेशन और दावे आपत्ति बाकी है। तो निश्चित से आज नहीं तो कल नागदा जिला बनेगा, और जो हम जो लोग सपना देख रहे हैं वो तो आप थोड़े दिन बाद जमीन का आवंटन हो गया। तो मैंने कोई विजय भाई से बोल दिया था, लेकिन अभी तो आपकी डीजे की बिल्डिंग बन रही तो जरूरत क्या होगा, लेकिन नहीं अभी जब तक बने जब तो 2-3 साल लगे, जब तक हम परेशान होंगे तो तत्काल। और दूसरी बात यहाँ की सीमेंट कंक्रीट बात है, पेवर ब्लॉक लगाने बात है, उसके लिए मैं जितने भी राशि होगी हम स्वीकृत करने की कोशिश करता हूँ। जो भी हमारे आप लोगों के बारे में जो जो आदेश होगा हम उसको करेंगे। भाई केशव रघुवंशी मोदी जी और अन्य लोग भी लगातार इस बात के लिए प्रयास रहते बताते रहते हैं, न्यायालय में चल रहा हमारे विजय भाई ये काम करा रहे हैं। तो निःशुल्क से जब एक पूरी टीम भावना से काम होता है वहाँ पर काफ़ी उन्नति विकास होता है। एक बार पुनः बारिशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बारिशन पूरी सक्रियता के साथ हर मुद्दे पे लड़ाई, चाहे फरियादी की बात हो चाहे अन्य बात हो, उनके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है। तो निःशुल्क से सभी बारिशन के सभी सदस्यों में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बारिशन का जो जो आदेश होगा हम उसको पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय एसडीओ साहब, आदरणीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी, आदरणीय उपस्थित अतिथिगण एवं मेरे भाइयों एवं बहनों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम हुए हैं। जो कि सबसे बड़ी व्यवस्था करानी जरूरी थी वो महिलाओं के लिए थी, उसकी माननीय एसडीओ साहब के द्वारा जो हमारे लिए भूमि आवंटित की गई उसके लिए मैं एसडीओ साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एवं सबसे बड़ी समस्या उस पर थी कि भूमि निर्माण के लिए राशि को आवंटित किया जाना, जिसके लिए कि हमारे यहाँ के विधायक साहब ने 5 लाख की राशि स्वीकृत कर हमें भवन निर्माण के लिए पूरी हरी झंडी दिखा दी, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एवं यहाँ पर उपस्थित होकर के अन्य अतिथिगणों ने एवं हमारे भाई बहनों ने इस कार्यक्रम को इतना गरिमामय बनाया, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ।